एंड वर्क में यह सवाल बार बार पूछा जाता है, जैसे SSC, रेलवे, बैंकिंग, CG व्यापम, CG PSC जैसे छात्रावास अधीक्षक, प्यून भर्ती, इस सवाल का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टाइम एंड वर्क यह सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, एक अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, कितना दिन में, 10 दिन में, जबकि बी से 15 दिन में समाप्त कर सकता है। पहला कितना, एक कितना दिन में कर रहा है समाप्त, 10 दिन में, जबकि बी इसको कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि वे एक दिन छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम करे, ठीक है, यदि एक दिन वह छोड़ दिया जाए और एक दिन बारी बारी से काम करे, तब एक आरंभ करे, ए जब आरंभ करता है, कौन, ए जब आरंभ करता है, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है। देखिए, ए अकेला कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी उसे कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो इन दोनों को क्या लेंगे, LCM लेंगे। जब इन दोनों को LCM लेंगे, इन दोनों का LCM कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, इन दोनों का LCM कितना होगा, 30 होगा, 10 से 30 को भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा, 10 या 30, प्लस 15 को 30 से भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद बोला गया 3 और 2 कितना हो गया, 5/30, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, एक दिन क्या कर रहा है, छोड़कर एक एक दिन बारी बारी से काम कर रहा है, एक अगर ए आरंभ कर रहा है तो कितना, जब ए आरंभ कर लिया है तो समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे, तो 2। देखिए, एक दिन जब छोड़ दिया है और बारी बारी से काम कर रहा है, तो 5 × 5 = 30, ठीक है, 6 आ गया आंसर। उसके बाद ए जब कार्य का आरंभ कर रहा है, ठीक है, समाप्त होने के कितने दिन लगे, यानी कि 2 राउंड। देखिए, जब पहला राउंड खत्म हो गया, तो दूसरा राउंड, तो 6 से 2 को गुणा कर दो, कितना करोगे, 6 से 2 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो समाप्त होने में कितना दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, ऑप्शन कौन सा में दिख रहा है, बी, ठीक है, 12 दिन लगेगा, 6 दिन नहीं होगा, गलत होगा, 6 दिन, 12 दिन में समाप्त होंगे, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।